हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण चंद्र फिर से आ गया हूँ कार जेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा के डार्क एडिशन नेक्सॉन के बारे में। हाल ही में लॉन्च हुई है ये गाड़ी डार्क एडिशन में, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एंड क्या क्या इसमें चेंज किया गया है पुराने वाले नेक्सॉन से। सबसे पहले तो इसका जो डार्क एडिशन है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ब्लैक में, पूरी ऑल ब्लैक मिलती है। इसका इंटीरियर भी आपको पूरा ऑल ब्लैक में देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको वही सेम ग्रिल देखने को मिलेगी, बट आपको ये पूरी ब्लैक में देखने को मिलेगी एंड नीचे भी पूरा ब्लैक में देखने को मिलेगा। फ्रंट में इस साइड आपको देखने को मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इसके यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्टर एंड यहाँ पे आपको मिलेगा हेलोजन में, ये लो बीम है एंड ये हाई बीम है। एंड इस साइड आपको दिखेंगे इसके DRLs, नीचे आपको देखने को मिलेंगे फॉग लैंप्स जो कि प्रोजेक्टर है। जैसा देखने को मिलता है आपको इसका साइड प्रोफाइल, साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे इसके 16 इंचेस के अलॉय व्हील जो कि डार्क में, ब्लैक में देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो है 215/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पूरी ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग देखने को मिलती है जो देख सकते हैं पूरी कार को कवर कर रही है, पूरा पीछे घूम के आ रही है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हैशटैग डार्क की बैजिंग। इस साइड आपको देखने को मिलेंगे बॉडी कलर ORVM विद इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर, इसके नीचे आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रे की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए पिलर मिलता है आपको ब्लैक मैट आउट में, बी पिलर मिलता है आपको ब्लैक मैट आउट में, एंड सी पिलर भी आपको ब्लैक मैट आउट में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ऊपर देखने को मिलती है थोड़ी ब्लैक पियानो फिनिशिंग। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रूफ रेल्स जो कि सिल्वर में है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसमें शार्क फिन एंटीना। एंड इस वेरियंट में आपको मिल जाती है सनरूफ। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं रेयर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल को। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का फीचर मिल जाता है फ्रंट टू डोर्स में, कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका रेयर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, ये LED में जब जलते हैं काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एंड इस साइड आपको देखने को मिलता है टर्निंग इंडिकेटर, यहाँ पे मिलती है आपको रिवर्स की लाइट। सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलता है इसका इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डीफोगर, रेयर वाइपर, यहाँ पे मिल जाती है वोकल फॉर लोकल की बैजिंग। बीचों बीच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टाटा का लोगो। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर की फिनिशिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका रेयर बम्पर बॉडी कलर में। नीचे आपको स्किट प्लेट देखने को मिलती है ब्लैक मैट आउट में एंड सिल्वर फिनिशिंग में। इस साइड आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इसका टेलगेट ओपन करने के लिए। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका बूट स्पेस जो कि 350 लीटर्स का है। एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड पार्सल ट्रे का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेल लैम्प एंड यहाँ पे बोतल स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है इसके बूट स्पेस में। यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्पेयर व्हील, जिसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195/60R16 जो कि स्टील रिम में है। एंड इस साइड आपको मिलता है ग्रैब हैंडल इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग डार्क में देखने को मिलती है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको इसकी कीज़। यहाँ पे आपको मिलता है लॉक अनलॉक बटन एंड यहाँ पे इसका लैंप ओपन, लैंप को ऑन करने के लिए बटन। एंड इसे प्रेस करके रखेंगे तो आपका बूट स्पेस है जो ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसका ड्राइविंग साइड डोर, यहाँ पे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। एंड इस साइड आपको देखने को मिलता है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में इसका डोर ओपनर, यहाँ पे भी आपको पियानो की फिनिशिंग देखने को मिलती है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड इस साइड आपको मिल जाती है लेदर की फिनिशिंग विद इसका जो सिग्नेचर पैटर्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ड्राइविंग साइड विंडो आपको वन टच अप एंड वन टच डाउन नहीं मिलती। ड्राइविंग साइड विंडो में भी आपको वन टच डाउन एंड वन टच अप का फीचर नहीं मिलता इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है ग्रैब हैंडल इसको क्लोज करने के लिए। एंड यहाँ पे मिल जाएगा अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर बोटल स्पेस विद मैक पॉकेट। इस साइड आपको मिलेंगे स्पीकर एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्विटर्स। एंड यहाँ पे मिलेगा ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स, यहाँ से आप ORVM फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे देखने को मिलता है आपको इसका कंप्लीट ऑल ब्लैक थीम में इंटीरियर। ड्राइविंग साइड सीट आपको मिलती है मैनुअली एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाएगा एंड रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी मिल जाएगा इसके अंदर। चलते हैं अब इसके इंटीरियर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका लेदर एप स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड ऑल कंट्रोल्स। एंड इस साइड आपको देखने को मिलते हैं
क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिले जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रही है। एंड कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इसका जो है MID का देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज फ्यूल इकोनॉमी कंजम्पशन वगैरह सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। एंड बीचों बीच आपको देखने को मिलता है इसका स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड इस साइड आपको देखने को मिलते हैं हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ड्राइविंग साइड AC वेंट। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज देखने को मिलती है और कुछ देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी विद पैटर्न। इस साइड आपको मिलते हैं ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ से आप ORVM फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सब कुछ देखने को मिलेगा विद इनबिल्ट नेविगेशन। उसी के नीचे आपको देखने को मिलेंगे 2 AC वेंट्स, बीचों बीच हजार लाइट बटन। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिलेगी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड इस साइड आपको मिल जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। बीचों बीच आपको देखने को मिलेगी डार्क क्रोम में नेक्सॉन की बैजिंग जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका 12V का पावर सॉकेट एंड USB सॉकेट। ऑक्स सॉकेट इसमें नहीं दिया गया। ऑटोमेटिक गियर नॉब। एंड यहाँ पे आपको इसके जो है मोड्स मिल जाएंगे, इको सिटी स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे इसके ड्राइविंग मोड्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेदर एप्स आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड स्लाइडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। एंड इस साइड आपको देखने को मिलेगा एक बटन जिससे आप इसका ग्लो बॉक्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा जो देखने में काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको लैपटॉप ट्रे, 2 कप होल्डर्स, पेन होल्डर, टैबलेट होल्डर वगैरह सब कुछ दिया गया है। एंड विद लाइटिंग है ये जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड फीचर भी काफ़ी बढ़िया दिया है। ड्राइविंग साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलता है। एंड को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको देखने को मिलता है वैनिटी मिरर विदाउट लाइट। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ का माइक एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी LED जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसका थ्रो भी काफ़ी बढ़िया जो इंटीरियर में देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको मिलती है इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है सनरूफ। काफ़ी बड़ी नहीं मिलती, इसमें आपको छोटी सी सनरूफ मिलती है। एंड ये ग्लास भी आपको डार्क में देखने को मिलता है, नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर से। सनलाइट जो है बहुत कम आएगी अंदर इंटीरियर में, आएगी बट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे देखने को मिलता है आपको इसका फ्रंट इंटीरियर। टच एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो टच एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। अब चलते हैं इसके रेयर में, रेयर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके रेयर सीटिंग को। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका रेयर डोर। यहाँ पे आपको सेम वही लेदर देखने को मिलेगा जो आपको फ्रंट में देखने को मिलता है विद इसका सिग्नेचर पैटर्न। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक पियानो फिनिशिंग में इसका डोर ओपनर। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिलेगी जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, 1 लीटर बोटल स्पेस विद मैक पॉकेट स्पीकर्स। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका रेयर इंटीरियर। चलते हैं इसके अंदर, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके फीचर्स को। एंड यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेग स्पेस देख सकते हैं, मैंने ये सीट एक्चुअली पूरी पीछे कर रखी है और ये मैंने रिक्लाइन भी कर रखी है, उसके बाद भी लेग स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। एंड हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सनरूफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे पूरा ब्लैक रूफ देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया। अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो फिर अंदर जो है इसके इंटीरियर में इतनी हीट नहीं आती जिससे ये गर्म हो जाए। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका फ्रंट इंटीरियर रेयर सीटिंग से जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके रियर के AC वेंट्स। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज वगैरह या फिर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट स्टोरेज वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता, वो आपको सेम इसमें भी यहाँ पे ही देखने को मिलेगा जैसे आपको EV में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका आर्मरेस्ट जो कि लेदर रैप्ड है। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। इस साइड आपको देखने को मिलेगा ग्रैब हैंडल विद हुक, सेम इस साइड भी। एंड फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलते हैं इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट
तो दोस्तों ये था कंप्लीट इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टू एयरबैग्स इन फ्रंट ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड, फ्रंट एंड रियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर अलार्म, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ईबीडी, रियर कैमरा विद सेंसर्स, एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी पिंच पावर विंडो, ड्राइवर साइड स्पीड अलर्ट, जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। बाहर चल के इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। इस गाड़ी की आपको ओवरऑल हाइट देखने को मिलती है 3993 mm की एंड ओवरऑल वेट देखने को मिलती है 1811 mm की एंड ओवरऑल हाइट देखने को मिलती है 1602 mm की एंड इस गाड़ी में आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा 2498 mm का व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इस गाड़ी के साथ बैंड भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपको अल्ट्रोज वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, सेम इसमें भी आपको एक बैंड भी मिलता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर और फीचर प्रोफाइल ऑफ टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन, जो अब आपको देखने को मिलेगी इंडियन कार मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।